हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है दूध वाली सेवइयाँ। सेवइयाँ सभी को बहुत पसंद आती हैं। जब भी मीठा खाने का मन हो या कोई भी त्यौहार हो या अचानक से गेस्ट आ जाएं तो हम फटाफट सेवइयाँ बनाते हैं। तो इस बार आप मेरे तरीके से बनाइए खास दूध वाली सेवई। तो सबसे पहले हम पैन गरम करेंगे और इसमें 1.5 चम्मच देसी घी डाल देंगे। जब तक घी मेल्ट हो रहा है हम दूसरे वाले गैस पर दूध गरम कर लेंगे। हमने 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें सेवइयाँ रोस्ट करेंगे। हमने 50 ग्राम सेवइयाँ ली हैं। अब इसको हम पैन में डाल देंगे और कलछी से चलाते जाएंगे। सेवइयों को हम स्लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। अगर फ्लेम हाई रहेगी तो सेवइयाँ जल जाएंगी पर बराबर से सिकेंगी नहीं। हम इस तरीके से बराबर से चलाते रहेंगे और गोल्डन कलर का होने तक इसको रोस्ट करेंगे। इधर दूध गर्म हो रहा है, सेवइयों को रोस्ट करने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है। लगभग 4 मिनट हो चुके हैं, सेवइयाँ सेक चुकी हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो सेवइयाँ जल जाएंगे क्योंकि पैन गर्म है। अब सेवइयों को हम एक अलग प्लेट में रख लेंगे। पैन में छोड़ेंगे तो सेवइयाँ जल जाएंगे क्योंकि पैन गर्म है। और सेवइयों का कलर बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। दूध में अच्छा उबाल आ चुका है। अब हम इसको कलछी से चला देंगे और रोस्टेड सेवइयाँ इसमें ऐड कर देंगे। अब हम कलछी से चला देंगे जैसे आपस में चिपके नहीं। अब हम इसको 6 से 7 मिनट तक कुक करेंगे और बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम स्लो ही रखेंगे, नहीं तो दूध सूख जाएगा और सेवइयाँ नहीं पकेंगी। 7 मिनट तक हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। सेवइयाँ कुक हो चुकी हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। हमने 50 ग्राम चीनी ऐड किया है। चीनी को मेल्ट कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी चीनी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लीजिए। अब हम सेवइयों को कलछी से चला देंगे। 2-3 मिनट के लिए इसको और कुक करेंगे। सेवइयाँ पक गई हैं। अब हमें सेवइयों में खुशबू के लिए थोड़ी सी इलायची पाउडर डालनी है। इलायची पाउडर से सेवइयों के स्वाद भी बढ़ जाते हैं और खुशबू भी अच्छी आने लगती है। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी सेवइयों से। अब हम इसमें थोड़े से केसर के धागे ऐड कर देंगे। केसर ऑप्शनल है, आप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको कलछी से चला के मिक्स कर देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम भगोने को गैस से उतार के नीचे रख लेंगे और सेवइयों को सर्व करेंगे। आप सेवइयों को 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। चाहे तो आप इसको गरम गरम खाइए और चाहे तो ठंडी करके खाइए। तो इस हरतालिका तीज पे आप मेरे तरीके से सेवइयाँ बना के खाइए और व्रत करिए। आप सबको हैप्पी हरतालिका तीज। ये देखिए एकदम परफेक्ट सेवइयाँ बनके तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।